आगे बढ़ते अगली खबर जयपुर से है। हीरानगर अजमेर रोड पर जेडीए की कार्रवाई, यहां भूखंड संख्या 25 पर बनाई गई थी आधा दर्जन दुकानें। आवासीय भूखंड पर अवैध रूप से दुकानें बनाई गई थी। डीआईजी कैलाश बिश्नोई के निर्देशन में कार्रवाई हुई। इन सभी दुकानों को प्रवर्तन दस्ते ने सील किया है। इस पुराने मामले में हाईकोर्ट का स्थगन आदेश था। स्थगन आदेश हटने के बाद जेडीए ने यह कार्रवाई की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हीरानगर अजमेर रोड पर जेडीए की इस कार्रवाई की तस्वीर। भूखंड संख्या 25 पर आधा दर्जन दुकानें खड़ी कर दी गई। आवासीय भूखंड पर अवैध रूप से दुकानें बनाई गई। प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। इस सील की कार्रवाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज की तारीख के साथ 11/11/2024 11 नवंबर 2024 तारीख लिखकर जेडीए की ओर से सील किया गया है। लिखा है साफ तौर पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में, जेडीए द्वारा सील, दिनांक 11 नवंबर 2024। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, 25 दुकानें, भूखंड संख्या 25 पर आधा दर्जन दुकानें बनाई गई, अवैध थी ये दुकानें और उस पर कार्रवाई करते हुए इसे सील किया गया है। कार्रवाई की तस्वीरें दिखा रही हैं, किस तरह से मामला रहा अभिषेक? बिल्कुल जयती, ये मामला काफी पुराना है और इसमें जो लोअर ग्राउंड फ्लोर है और अपर ग्राउंड फ्लोर है वहां पर इस तरह की दुकानें बनाई गई थी। ये आवासीय भूखंड था, अवैध रूप से दुकानें बनाई गई थी और हाईकोर्ट का इसमें स्टे चला रहा था। इस चक्कर में जेडीए कार्रवाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन हाईकोर्ट का जब स्टे हटा तो उसके बाद आज जेडीए का प्रवर्तन दस्ता मौके पर पहुंचा और ये जो दुकानें हैं इनको सील किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो विजुअल बता रहे हैं किस तरह से जो ताले के पे लगाए गए हैं दुकान पे, चपड़ी लगाई गई है, सील लगाई गई है और बाकायदा जेडीए जो है कागज वहां चिपकाया गया और यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया जीडी द्वारा किया गया सील, लाल रंग से लिखाया गया है ताकि सबको ये पता रहे कि जीडी की ओर से सील किया गया है। और ये भूखंड संख्या 25 का मामला था, यहाँ पर स्थानीय लोगों से भी काफी शिकायतें थी तो उसके बाद जीडी के प्रवर्तन दस्ते ने आज यहाँ ये कार्रवाई की है। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया इस जानकारी के लिए।